वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माता सावित्री किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की भिंडी। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसको रिक्वेस्ट किया है मिस्टर विशाल दीप सैनी ने, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भिंडी ले लिया है 150 ग्राम के करीब है। चावल का आटा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कॉर्नफ्लोर, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बेसन और ये नमक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया था, भिंडी 1-1.5 घंटे पहले से धो लिया था और इसको सुखा लिया। फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको धुल के इसको अच्छे से पोंछ लें, उसके बाद इसको मैं कट करके बताती हूँ। भिंडी को कट करके बताती हूँ, ये वाला पोर्शन काट लेंगे हम, ये काट लेंगे वैसे, फिर इसको ये मिडल से काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन है हमारे को निकाल लेना है। इसको निकाल के और इसको ऐसे काट के इतना पतला पतला हमारे को रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भिंडी पहले से काट रखी है। देखिए फ्रेंड्स, भिंडी मेरी कट के ऐसे बिल्कुल हो गई है। इससे हमको ऐसे ही काटना है हमको। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है, चावल का आटा है 1 टीस्पून के करीब, कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने ये 1/2 टीस्पून के करीब है। फ्रेंड्स, धनिया पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून के करीब है। हल्दी पाउडर, फ्रेंड्स आमचूर पाउडर देखिए, ये खट्टा पन लाने के लिए किया है। आप भिंडी का और आमचूर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स देखिए, अभी सॉल्ट हम नहीं डालेंगे, इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट डालने से ऐसा होता है कि ये पानी छोड़ने लगेगा, फिर भिंडी हमारी कुरकुरी नहीं बनेगी, चिपचिपापन सा आ जाएगा, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसमें वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जैसा हमको नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, ये अपना आप जैसा तीखा खाएंगे वैसा डालिएगा। फ्रेंड्स, ये भिंडी है, हम स्नैक के रूप में शाम को चाय के साथ ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप खाने के साथ लेना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। जैसा तीखा आपको पसंद हो वैसा मिर्च पाउडर आप मिलाए इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लास। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक डाल के फ्रेंड्स हम तुरंत ही उसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर नमक छोड़ने पानी छोड़ने लगेगा नमक। ये देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लिया है, आप जैसा टेस्ट आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम नमक भी। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये इंडक्शन पे मैंने पैन रख दिया है, इसमें ऑयल डाल के ये गर्म हो चुका है। मेक श्योर कि ऑयल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, बिल्कुल हल्का गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो भी जल्दी बढ़िया से फ्राई होगा ये। अच्छे से हिला लेते हैं, हाई फ्लेम ही रखना है फ्रेंड्स, फ्लेम धीरे नहीं करना है, बिल्कुल कुरकुरी हमारी भिंडी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी भिंडी फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। आप एक्स्ट्रा ऑयल इसकी निकाल लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया, कुरकुरी भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई बेसन की। देखिए कितनी कुरकुरी लग रही है ये फ्रेंड्स, जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये कुरकुरा होगा। अब क्या करेंगे, इसके पे हम गरम गरम ही चाट मसाला डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको चाट मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे एक बॉल में डाल के सर्व करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कुरकुरी भिंडी, बेसन की भिंडी बिल्कुल तैयार है। आप इसको शाम के साथ चाय के साथ लें, या तो फिर आप खाने के साथ लें,
और इस डिश को ज़रूर बना के ट्राई करें, फिर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि कैसी बनी है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।